बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नॉवल है कसक तेरे प्यार की, राइटर हैं अंजीला अंजीलो वफा। एपिसोड 1। सूरज की किरणें निकल चुकी थी लेकिन इस पर कोई असर ना हुआ। दोपहर के 2 बजे जब फरजाना बेगम की आवाज़ आई, रेहान बेटा उठ जाओ, दोपहर हो चुकी है, वो हुक्म देती हुई साथ ही खिड़की के पर्दे हटाने लगी। मॉम सोने दें प्लीज़, आपको पता तो है कल मैं लेट नाइट कर आया था हूँ और अब आपके लेक्चर शुरू हो जाने हैं जो आपकी बहू पे आके ख़त्म होंगे। मॉम थक गया हूँ ये सुन सुनकर। हाँ तो क्या गलत बोलती हूँ, हर माँ को अपनी बहू लाने का अरमान होता है। वह जो अब बेड पर बैठ चुकी थी शिकवे करने लगी। रियान ने बड़े प्यार से इनकी गोद में सर रख दिया। ले आना आप अपनी बहू, फिर सारा दिन उससे बातें करती रहना, अब खुश? इन्होंने बड़े प्यार से बेटे की पेशानी पर बोसा देते हुए कहा। हाँ खुश, चलो अब उठो, शाबाश, तुम्हारे बाबा वैसे ही नाराज़ हैं तुमसे क्योंकि ऑफिस में बहुत लापरवाही दिखा रहे हो तुम। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चली गई और रियान उठकर तैयार होने लगा। प्रीशिया आज बहुत खुश थी, इसने घर में आते ही माँ को गले लगा लिया। आह मामा, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, अब मैं खूब सोऊंगी। अरे अरे बेटा आराम से, चलो अच्छी बात है, अब फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। ओके, लव यू मम्मा, लव यू टू बेटा। वलीद साहब और फरजाना बेगम के 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़ा बेटा ज़ुबैर, इसके बाद रियान जो शुरू से ही सबका लाडला है, और सबसे छोटी बेटी वानिया है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। रियान अपने वालिद के साथ ऑफिस संभालता है जिनका शुमार कराची के मशहूर बिजनेसमैन में होता है। रियान के बड़े भाई बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री अपनी वाइफ के साथ सेटल हैं। शाइस्ता बेगम और रोहेल साहब की 2 बेटियाँ हैं। बड़ी बेटी अनाबिया की शादी रोहेल साहब के जिगरी दोस्त के बेटे समीर से हो चुकी है और प्रीशिया अब अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी है। अब अगर तुमने खाना नहीं खाया तो बहुत पिटाई लगाऊंगी, सुना तुमने? इरम गुस्से में अली को घूरते हुए बोली। अरे क्या हुआ मेरे बेटे को? ज़ुबैर ने अंदर आते ही अली को गोद में उठा लिया और पूछने लगा। हाँ जी, आप ही की कमी थी, ये सर चढ़ाया है आप ही का है, इरम जो कब से इसे खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी बोल पड़ी। ओहो बस इतनी सी बात, हम खिलाएंगे अभी अपने बेटे को खाना, ज़ुबैर इरम से बाउल लेते हुए बोला। चलो मुंह खोलो, शाबाश, जल्दी से, अली खाना खाने लगा। इरम दोनों बाप बेटे का प्यार देखकर मुस्कुरा दी। वैसे बेगम आप भी हमारी कंपनी का हिस्सा बन सकती हैं, ज़ुबैर शरारत से बोले। जी नहीं, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, इरम फौरन बोली। अब आप तो शर्मा रही हैं, वैसे मैं सोच रही हूँ काफ़ी अरसा हो गया हम पाकिस्तान नहीं गए और अली भी बहुत याद करता है दादा को। हाँ सोच तो मैं भी रहा हूँ, चलो कुछ सोचते हैं, बनाते हैं प्रोग्राम। सुमैर और अनाबिया घर में मिठाई लेकर दाखिल हुए और सबका मुंह मीठा करवाया। क्या हमने ठीक सोचा था, अलीना बेगम बेटे से मुखातब होते हुए बोली। जी अम्मी जान, आप दादी बनने वाली हैं, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, माशाल्लाह ये तो बहुत खुशी की बात है, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, वह बहू को दुआएं देती प्यार करने लगी। अनाबिया को इसके ससुराल में सब भी बहुत प्यार करते थे लेकिन नाम मैं ही रखूंगी, बता रही हूँ, शान से बोली। हाँ ज़रूर तुम ही रखना, आखिर पुप्पो हो भी आने वाले मेहमान की, अनाबिया मुस्कुरा कर बोली। थैंक यू बाबी, शानजे गले लगकर बोली। लव यू टू शेरी। अल्लाह इस घर की खुशियों को ऐसे ही बरकरार रखे। अवैध साहब दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए दुआ करने लगे। रिहान ऑफिस जाने के लिए तैयार ही था। भाई मुझे यूनिट ड्रॉप कर देंगे, बहुत लेट हो गई है। आज वानिया जो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार थी रिहान से कहने लगी। ओके वानी, लेकिन जल्दी आ जाओ, मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है, आज वो घड़ी देखते हुए बोला। वह वानिया को यूनी छोड़ के जा चुका था लेकिन किसी की नज़र इसका पीछा करती रह गई। ये तुम यूनी किसके साथ आई हो आज, हिना जो कब से दिल ही दिल में सोच रही थी पूछ बैठी। रिहान भाई के साथ, वानिया जो नोट्स लिखने में मसरूफ थी बोली। ओह अच्छा, मैरिड है वो, हिना पूछे बगैर ना रह सकी। वानिया अब नोट्स बंद कर चुकी थी। आहा नहीं तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, हिना वानिया को यूं हंसती हुई देखकर खफा हुई। क्योंकि मेरे भाई जान को कोई लड़की भी पसंद नहीं आती, यहाँ तक कि मॉम
तो कई दफ़ा बोल चुकी हैं कि अगर कोई पसंद है तो बताओ, लेकिन जवाब हमेशा नहीं हमें आता है। वानिया मुतमीन लहजे में बोली, वैसे एक बात है, तुम्हारे रिहान भाई हैं बड़े हैंडसम। हिना जो शोकी हो रही थी कहे बिना न रह सकी। हाँ वो तो है, वानिया ने फख्र महसूस किया। उफ़ ये लड़की बिना जब देखो नावल में मगन रहती है। शाइस्ता बेगम अरीशे से नावल लेते हुए बोली, मम्मा आप बिना मेरी फेवरेट स्टोरी चल रही थी। परीशे खफा हुई, कभी बाहर की दुनिया में भी निकल कर देखा करो बेटा, खाने का भी होश नहीं रहता। मम्मा खा लूँगी, प्लीज़ दे ना, बस लास्ट पेज चल रहा है। बिल्कुल नहीं, सब पता है मुझे तुम्हारा ये लास्ट पेज। चलो चाय बना लो, तुम्हारे पापा भी आने वाले होंगे, वो हुक्म देती हुई बोली। क्या मम्मा, लेकिन मैं क्यों बनाऊँ चाय, सलमा को बोली ना। बेटा वो नहीं आई, आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मम्मा आपको पता तो है मुझे किचन में जाने से कितनी एलर्जी है, वो बेजारी से बोली। अगर तुम्हारी यही बातें रही ना तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अपनी बहन से ही सीख लो कैसे ससुराल को लेकर चल रही है। जब ससुराल जाओगी तब पता चलेगा, शौहर की पसंद के खाने बनाओगी ना, वो समझाते हुए बोली। हाँ हाँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली, और मैं क्यों बनाऊँ भला किसी के लिए खाने, वो खुद बनाएंगी, वो कहती हुई भागी। और शाइस्ता बेगम इसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दी। यार वो लड़की कब से तुझे ही देख रही है, थोड़ी लिफ्ट ही करवा दे। वो अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठा मगन था जब सनी ने इसे छेड़ा ना चाहा। हम सोच तो मैं भी यही रहा हूँ कि तेरी शादी से करा के इसे अपनी भाभी बना लूँ। रेहान भी कहाँ बाज आने वाला था, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ तुम दोनों की एक पिक्चर बना के सादिया भाभी को भी दिखा दूँ। सनी डरते हुए बोला, उफ तू मरवाएगा मुझे, तेरे साथ तो बंदा मजाक भी नहीं कर सकता। वैसे इतना भी क्या डर भाभी का, 2 साल शादी को हो गए, क्या इतना भी भरोसा नहीं उन्हें तुझ पर, रेहान पूछ बैठा। भरोसा तो बहुत है, लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते में जब कोई तीसरा आ जाए ना तो शक पैदा होता है, और जिस रिश्ते में शक हो वो कभी कामयाब नहीं होता, क्योंकि औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपनी मोहब्बत को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। सनी इत्मीनान से बोला, मोहब्बत में भरोसा होना काफ़ी होता है, मुझे नहीं लगता फिर इन चीज़ों की गुंजाइश है। रियान कहते हुए रुका, मेरी लाइफ पार्टनर मुझ पर खुद से भी ज़्यादा ट्रस्ट करेगी, क्योंकि मेरी मोहब्बत सिर्फ एक के लिए ही होगी। मैं दिन को रात कहूँगा तो रात कहेगी, मैं रात को दिन कहूँगा तो भी दिन कहेगी, वो मुझ पर आँख बंद करके भरोसा करेगी। सनी ने जो इसे इतनी गहरी सोचों में डूबे हुए देखा तो ज़ोर से चुटकी बजा के इसे सोचों से बाहर लाते हुए कहा, ओ भाई कहाँ से ढूंढ के लाएगा ऐसी लड़की, आजकल के दौर में ऐसी लड़कियाँ अवेलेबल नहीं हैं। मेरा दिल कहता है मेरी किस्मत में कोई बहुत अच्छी लड़की होगी। रियान गाड़ी की चाबी टेबल पर घुमाते हुए बोला, वो तो वक्त बताएगा तेरी किस्मत में कितनी अच्छी लड़की है। सनी से देखते हुए बोला, किसकी यादों में गुम है। अनाब्या जो रूम में आते ही लाइट ऑफ करने लगी थी, स्मैर को इस तरह को सोचते हुए देखा तो पूछ बैठी, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच सकते हैं भला हम, वो खासे रोमांटिक मूड में बोला। बताएं ना क्या सोच रहे थे, अनान्या पूछने लगी। यार ये फिक्र वाली बात है, वो बोला, कैसी फिक्र बताइए ना, मुझे सब ठीक तो है, किस बात से परेशान हैं आप, वो फिक्र करते हुए बोली। यही कि जब हमारा बेबी आ जाएगा तो आप तो इसमें बिजी रहेंगी, हमारा ख्याल कौन रखेगा। उफ आप बिना, मैं सच में समझी कोई परेशानी वाली बात होगी शायद, मैं हूँ ना आपका ख्याल रखने के लिए। और यकीन करें इसमें अगर हमारे 10 बच्चे भी हो जाएंगे ना तो भी हमारी मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। वो इसके कंधे पर सर रखते हुए इत्मीनान से बोली, क्या 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 कहा आपने, यानी मैं एवं टेंशन ले रहा था, अब तो हमारे 10 बच्चे ही होने चाहिए, वो शरारत से बोला। समीर आप, और पीछे होते हुए बोली, लो भी क्या गलत कहा हमने, अपनी बात से मुकर रही हैं आप तो, अब वो और शरारत पे उतर आया। वो तो मैंने एग्जांपल दी है, वो भी फौरन बोली, वैसे एक बात कहूँ, कभी कभी आप पे बहुत प्यार आता है हमें, वो शरारत से बोला। हाँ आपको मुझ पर हर वक्त ही प्यार आता है, चलें सो जाएं अब और मुझे भी सोने दें, वो लेटते हुए बोली। शुक्र करें आपके आप पर ही प्यार आता है, वरना हम पर तो अब भी बहुत सी लड़कियाँ मरती हैं, सुमैर ने शोकी से बोला। अच्छी बात है, मरती हैं, जिंदा तो नहीं है ना, उसे देखते हुए बोली। कुछ जिंदा भी हैं, वो आँख मारते हुए बोला। स्मैर आप, वो जल्दी से करवट लेते हुए तकिया मुंह पर रख कर लेट गई। वो इसे देखकर मुस्कुरा दी और सोने के लिए लेट गई। प्रीशे बेटा देखो कब से डोरबेल बज रही है, देखो कौन है दरवाजे पर। प्रीशे जो सोफे पर बैठी सॉन्ग सुन रही थी हैंड फ्री निकाल कर जाने लगी
कौन है बेटा? शाइस्ता बेगम बोली ही थी कि इतने में परी और इसकी दोस्त लाउंज में आई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मरियम अंदर आते हुए बोली। वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ, बड़े दिनों बाद आई हूँ आज। जी आंटी, बस शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हूँ आजकल, मरियम बताने लगी। क्या, तुम्हारी शादी हो रही है और तुमने मुझे बताया भी नहीं? परी बोली। तुम तो मुझसे बात ही मत करो, यूँ ही क्या ऑफ हुई, तुम तो मुझे भूल ही गई, कम अज़ कम मिलने ही आ जाती, मरियम खफकी से बोली। ओह मेरी जान, मैं तुम्हें भला भूल सकती हूँ, बस यूनी के बाद कहीं भी जाना नहीं हुआ, पर इसके गले लगते हुए बोली। अच्छा बस बस, अब मक्खन मत लगाओ, मरियम हंसते हुए बोली। आह तुम्हें मेरी बातें मक्खन लगती हैं? परी नाराज़ हुई। अरे नहीं नहीं, मुझे तो तुम पूरी मक्खन लगती हो, मरियम बोली। तो तीनों हंस दिए। अच्छा आंटी, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, क्या मैं परी को साथ ले जाऊँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। बेटा परी, तुम चली जाओ मरियम के साथ, अनाबिया और अपने लिए भी कुछ पसंद कर लेना, शाइस्ता बेगम बोली। ठीक है मम्मा, मैं देख लूँगी, तुम दोनों के लिए चाय के साथ कुछ खाने के लिए लाती हूँ, शाइस्ता बेगम कहती हुई किचन में चली गई। ये वाला देखो कैसा है, परी एक खूबसूरत सा कामदार दुपट्टा उठाते हुए बोली। हम अच्छा तो है और इसका काम भी बहुत बारीकी से नमाया है, लेकिन मरियम कहते हुए रुकी। लेकिन क्या, परी ने इसका जुमला दोहराया। परी का स्नी कलर जुनेद को बिल्कुल नहीं पसंद, मरियम बेबसी से बोली। क्या, ओ परी का मुँह खुला का खुला रह गया, तो क्या तुम अब कपड़े भी उनकी पसंद के पहनोगी? परी हैरानगी से बोली। हाँ तो सिर्फ कपड़े ही नहीं, मैं तो हर चीज़ उनकी पसंद की पहनना चाहूँगी, शादी की सारी शॉपिंग अब तक मैंने उनकी पसंद की है, मरियम फखरिया अंदाज में बोली। लेकिन क्यों, क्या तुम्हारा दिल नहीं है? परी कहने लगी। बिल्कुल है, लेकिन मेरा दिल भी अब मेरा नहीं, उनका है, मरियम शर्माते हुए बोली। उफ, तुम तो पूरी की पूरी पागल हो। परी को ये सब अजीब लगा। क्यों, इसमें पागल वाली कौन सी बात है भला, देखना जब तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम भी यही सब करोगी, मरियम बोली। ना पापा ना, ये शौक़ तुम ही रखो अपने पास, मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई बोले ये ना करो वो ना करो, ये पहनो वो ना पहनो। हाँ, शादी होने दो तुम्हारी बेटा, देख लेंगे हम भी, मरियम बोली। परेशान ने उचकाया, जैसे ही कह रही हो बिल्कुल सरप्राइज, वो सब बातों में मसरूफ़ थे जब जुबैर आते हुए कहने लगा। अरे तुम लोग, अचानक ये तो कोई वाकई ही सरप्राइज़ है। अस्सलाम वालेकुम जुबैर, वलीद के गले लगते हुए इनसे मिलने लगा। अली जल्दी से दादा की गोद में चढ़ गया। दादा मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। बेटा हम भी आपको बहुत मिस करते हैं, वलीद अली से प्यार करते हुए बोला। अरे वाह भैया, आप बता देते मैं पिक करने आ जाता आपको एयरपोर्ट, रियान सीढ़ियों से आता हुआ बोला। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं यार, ये मेरा ही घर है, बस बिजनेस के सिलसिले में वहाँ रहता हूँ, जुबैर मिलते हुए रियान से बोला। तुम्हारी यूनी कैसी जा रही है वानी? इरम अब वानिया से पूछने लगी। बहुत अच्छी जा रही है बाबी, वानिया बोली। चलो तुम लोग फ्रेश हो जाओ, अब मैं आसिया से कह के खाना लगवाती हूँ, फरजाना बेगम बोली। अब मरियम की मायों की रस्म थी, ठीक 7 बजे सायरा और दुआ इसे लेने आ गई। इसने पीली फ्रॉक चूड़ीदार पिंक कंट्रास्ट के साथ पहना हुआ था। या तुम ऐसे जाओगी वहाँ, दुआ से देखते हुए बोली। क्यों, मुझे क्या हुआ है, परीक्षा ने जायजा लेते हुए कहा। यार मेरा मतलब है, बंदा हल्का सा मेकअप ही कर लेता है, ये लिपस्टिक पे भी एहसान क्यों किया तुमने, वो जो बिना मेकअप के लिपस्टिक लगाए खड़ी थी, सायरा इसे देखकर बोली। यार मुझे नहीं पसंद ये मेकअप वेकअप, और मेरी मायों थोड़ी है जो मैं इतना श्रृंगार करूं, और वैसे भी मुझे किसने देखना है। लो भाई, यही तो मौके होते हैं जब लोग एक दूसरे को देखते हैं, हो सकता है किसी को तुम पसंद आ जाओ, सायरा शौकी से बोली। हमारी परी तो सादगी में इतनी प्यारी लगती है कि एक बार देखे, नज़र उठा के ज़रूर देखेगा, दुआ ने भी परी को छेड़ते हुए बोला। तुम दोनों कभी सुधरने वाली नहीं हो, अब चलो जल्दी देर हो रही है, परी ने दुपट्टा ठीक करते हुए कहा बोला। और फिर वो तीनों माइयों के लिए में शिरकत के लिए निकल गई। तकरीब शुरू हो चुकी थी, परी पहले ही मरियम से रूम में मिल चुकी थी ताकि इसे स्टेज पर ना जाना पड़े। सामने वाली टेबल पर चलो, परी दोनों को कहती हुई उठने लगी। क्यों भाई, यहाँ क्या हुआ, वो दोनों बोली। बस कहा ना, मैं परी जाने लगी, और दोनों टेबल पर आकर बैठ और दूसरी टेबल पर आकर बैठ गई। हाँ अब बताओ, वहाँ से क्यों उठाया हमें, दुआ पूछने लगी। एक लड़का जो अजीब नज़रों से परी को फोकस कर रहा था वो नोट कर चुकी थी, तो टेबल चेंज कर ली। जब परी बताने लगी, ओ वो यार, वो कामरान है, मरियम का कज़न, अक्सर इसे यूनी छोड़ने आता था, दुआ बताने लगी। मुझे क्या, वो कोई भी हो, मुझे नहीं पसंद कि वो इस तरह मुझे देखे। अच्छा चलो छोड़ो, चलो हल्दी लगाए मरियम की, दुआ इसका हाथ पकड़ते हुए बोली। तुम दोनों जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ, परी इत्मीनान से बोली। नॉट फेयर परी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, हमें पता है तुम क्यों नहीं जाती, अब के सायरा बोली।
जब पता है तो जिद ना करो प्लीज़, परी ना मानी। बेशक परीशे बेहद खूबसूरत थी, लेकिन कभी भी इसने अपनी खूबसूरती पर गुरूर नहीं किया था। यही वजह थी कि वह स्टेज पर नहीं जाती थी, क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त पिक्चर बना लेते हैं, और अगर आज वो जाती तो कामरात को मौका मिल जाता, जो कब से कोशिश कर रहा था। यार अगर कोई पिक बना भी लेगा तो खा नहीं जाएगा तुम्हें, सारा ने कहा। आई नो नहीं खा सकता कोई मुझे, बट मिस यूज़ तो कर सकता है ना। वह डटी रही। उफ परी, मैं कभी कभी सोचती हूँ तुम इतनी इनसिक्योर क्यों हो, आज के ज़माने की लड़की हो। लोग तो बआसानी अपनी पिक्चर्स सोशल नेटवर्क पर अपलोड कर देते हैं, और तुम खुद भी तो ये सब यूज़ करती हो, फेसबुक इंस्टा वगैरह। हाँ करती हूँ, मैं दिन रात पोस्टिंग भी करती हूँ, लेकिन जस्ट अच्छी शेयरिंग, अपनी नुमाइश करवाना मुझे पसंद नहीं। हर ऐरे गहरे को मुझे देखे, इतनी सस्ती नहीं है मेरी जात। अब कि वो संजीदगी से बोली, ओके यार चलो फिर तुम बैठो, हम रस्म करके आते हैं। सायरा बोलते हुए उठ गई। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कामरान मौका का फ़ायदा उठाते हुए बोला। क्यों आप वहाँ बैठे अच्छे नहीं लग रहे थे, वो तनसन लहजे में बोली। वो दरअसल मैंने सोचा आप अकेली बैठी हैं तो मैं कंपनी दे दूँ, वो मुस्कुराकर बोला। मुझे आप जैसे कि कंपनी की ज़रूरत नहीं, जो लड़कियों को ताड़ती हैं। अब की बार इसने तंज किया, लगता है आप तो नाराज़ हो गई, वो बोला। नाराज उनसे हुआ जाता है जिनसे कोई रिश्ता हो, वो तनसन बोली। क्या हम दोस्त बन सकते हैं, कैन वी बी फ्रेंड, वो दिलचस्पी लेते हुए बोला। क्या दोस्ती और आपसे, मुझे लड़कों से दोस्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं, अब की बार वो गुस्से से बोली। इस बारे में सोचिएगा जरूर, मैं आपकी कॉल का वेट करूंगा, वो टेबल पर कार्ड रखते हुए जाने लगा। रुके, परी बोली, इंतज़ार हमेशा वहाँ किया जाता है जहाँ उम्मीद हो, और मैं आपकी आखिरी उम्मीद ख़त्म कर रही हूँ। वो कार्ड फाड़ चुकी थी, वो पैर पटक कर गुस्से से वहाँ से चला गया। किसका फ़ोन था, रुहेल साहब जो खुशी खुशी फ़ोन पर बातों में मसरूफ थे। फ़ोन बंद करते ही शाइस्ता बेगम पूछने लगी। अरे शाइस्ता बेगम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आज आप नानी बन गई हैं। सुमैर का फ़ोन था, बेटा हुआ है नाबिया के, हैं ये तो बहुत खुशी की खबर है भाई, मैं ज़रा अनाबिया से बात करके आती हूँ। परी उठो बेटा, दिन के 12 बज रहे हैं, कल रात मरियम की बारात थी तो वो देर तक सोती रही। तभी शाइस्ता बेगम कंबल हटाते हुए बोली, मामा प्लीज़ सोने देना। वो हट से चिट ना हुई। बेटा तुम खाला बन गई हो और तुम्हें कुछ खबर ही नहीं है क्या, वो फ़ौरन उठ बैठी। क्या कहा आपने, मैं खाला बन गई हूँ, मतलब आप ही। हाँ बेटा, अनाबिया खैर से फारग हुई है, बांझा आया है। मम्मा आप मुझे अब बता रही हैं, और आप ही ने भी नहीं बताया, वो खपके से बोली। मेरी बात हुई है अनाबिया से, वो कह रही थी उसने तुम्हें तस्वीरें व्हाट्सअप कर दी हैं, वो बताने लगी। अच्छा मैं देखती हूँ, वो फ़ौरन मोबाइल उठाते हुए बोली। जब इसने व्हाट्सअप ऑन कर तो पैदाइश की 4 तस्वीरें और साथ ही टेक्स्ट था, तुम्हारा क्यूटेस्ट बांझा एंड मिस यू सो ब्यूटीफुल उम्मा। इसने भी रिप्लाई दिया, वी विल मीट यू सून आपिया, और पिक्चर देखने लगी। ये देखिए मामा, क्यूटो, माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बिल्कुल अनाबिया का बचपना है, वो तस्वीर देखते हुए बोली। मामा हम कब जाएंगे आप इसे मिलने, परी पूछने लगी। हम कल जाएंगे, अवैध साहब ने दावतनामा दिया है, संडे को अकीके की तकरीब रखी है बहुत बड़े पैमाने पर, पहली खुशी है उनके घर की, इसलिए पूरे खानदान वालों को बुलाया है, वो परी को बताते हुए बोली। ओह अच्छा, परी कहते हुए बिस्तर से उठ गई थी। बस रियान चाचू आ जाएं फिर चलते हैं, इरम अली को तैयार करते हुए बोली। अरे भई कहाँ जाने की तैयारी हो रही है, रियान जो ऑफिस से आया ही था इरम से बोला। अरे तुम्हें नहीं पता क्या, अवैस मामों के घर इतनी बड़ी खुशी आई है, वो अली के बाल बनाते हुए बोली। क्या मतलब भाभी, वो ना समझी से पूछने लगा। मतलब ये कि सुमैर भाई के यहाँ बेटा हुआ है, और आज इनकी खुशी में मामू जहाँ ने अकीके की दावत रखी है, हम सब तैयार हैं, बस तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। ओ नाउ नाउ नाइस, ये तो गुड न्यूज़ है भाई, चले मैं बस थोड़ी देर रेडी होकर आता हूँ, ये कहता वो अपने रूम में जाने लगा। रुहेल साहब की फैमिली जब मुर्तजा हाउस पहुँची तो वहाँ तैयारियाँ रूज पर थी, पूरे लाउंज को ही खूबसूरती से सजाया जा रहा था, हर तरह के फूल जो सीढ़ियों के वस्त से लेकर टेरेस तक जा रहे थे। वाह भाई आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं, अवैध साहब की नज़र जैसे ही रुहेल साहब पर पड़ी वो बोलते हुए आए। पोता बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब, रुहेल साहब और शाइस्ता बेगम तोहफे और मिठाइयाँ देते हुए बोले। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अरे आज तो पीछे बेटी भी आई है, वो प्यार से इसके सर पर हाथ रखते हुए बोले। जी अंकल, वो बस यूनी में बिजी होती थी इसलिए नहीं आ पाती थी, वो बताने लगी। आप ही कहाँ हैं, परी पूछने लगी। बेटा तुम ऊपर चली जाओ, वो अपने कमरे में है, सुबीन बेगम कहने लगी। ओके आंटी मैं मिलकर आती हूँ, कहती हुई वो ऊपर की तरफ जाने लगी। अपनी आंखें बंद करो, वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल बना रही थी जब सुमैर इसके पास आया।
नाबिया ने बिना कोई सवाल की आंखें बंद कर दी। अब खोलो, वैसे खूबसूरत सा गोल्डन का पेंड्रेंट पहनाते हुए बोला सुमेरिये। वो पेंड्रेंट पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हारा गिफ्ट, वो मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूबसूरत है समीर। थैंक यू सो मच, लेकिन मैंने तो आपके लिए कोई गिफ्ट लिया ही नहीं, अब वो उदासी से बोली। तुमने मुझे इतना खूबसूरत तोहफा दिया है बेटे के रूप में, थैंक यू हमारी लाइफ मुकम्मल करने के लिए, वो उसे गले लगाते हुए बोला। लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ। परी ने गला खनकारा जो बिना नौक के अंदर आई थी। इसे देखकर वो दोनों पीछे हुए। अरे परी, तुम कब आए? जब आप लोग हीर और मजनू का किरदार अदा कर रहे थे, वो शरारत से बोली। जब भी मैं कहूँ आपको हमारी याद क्यों नहीं आती, वो नाबिया से मिलते हुए बोली। देख लो अपनी बहन को परी, मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ कि कभी कभी घर चली जाया करो, लेकिन मजाल है जो ये जाने के लिए तैयार हो जाए। बोलती है नहीं मैं आपके पास ही ठीक हूँ, वो मज़े लेते हुए बोला। हैं आप ही? परी हैरान हुई। क्या, मैंने कब मना किया जाने के लिए मना किया अपने घर? बल्कि मैं जब भी घर आने की बात करती हूँ ये मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, वो फ़ौरन सफाई देते हुए बोली। तो फिर ठीक है, और इसकी बात सुनकर वो दोनों हंस दिए। मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था लेकिन वो इसे कहीं भी नज़र ना आई। फहीम चाचा की फैमिली को इनवाइट किया करना था ना, अज़र जो कब से इसके इंतज़ार में था नाबिया को देखकर पूछ बैठा। ओ, इन्हें तो इनवाइट करना ही भूल गए, वो इसकी हालत समझ चुकी थी तो शरारत से बोली। क्या, भूल गए? लेकिन आपको तो याद रखना चाहिए था ना भाभी, वो उदास हो गया। अब जरा उदास मत हो और जाओ मिल लो अपने मंगेतर से, वो ईमान को चची और बिनिश के साथ आता देख चुकी थी तो मुस्कुराते हुए बोली। ओ भाभी, आप भी ना, डरा ही दिया था आपने तो मुझे, वो कहता हुआ दिल ही दिल में खुश हुआ। ईमान और अज़र की एक साल पहले मंगनी हो चुकी थी फहीम चाचा की बेटी ईमान से। वो ब्लैक जीन्स और नेवी ब्लू शर्ट में अज़र से मिल रहा था कि इसकी नज़र सीढ़ियों से उतरती हुई एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो क्रिस्टल ग्रीन और पिंक कलर के पिल्स के खूबसूरत से ड्रेस में शान से क्या के साथ बातें करती हुई आ रही थी। इसे लड़कियों में कभी इंटरेस्ट नहीं था लेकिन पता नहीं क्यों परीक्षे पर से वो नज़र हटाना भूल गया था। कौन है ये, इससे पहले तो कभी नहीं देखा, वो पूछने लगा। अनाबिया भाभी की बहन है, हम क्लास फेलो रह चुके हैं, हम एक ही यूनि में पढ़ते थे, आज़र इसे बताने लगा। ओह अच्छा, हाँ मैं सुमेर की शादी में नहीं आ सका था, रिहान याद करते हुए बोला। वैसे नाम क्या है इन हसीना का, रिहान इसमें इंटरेस्ट लेते हुए बोला। प्रीशे, वैसे तुम कब से लड़कियों में इंटरेस्ट लेने लगे, आज़र रिहान की दिलचस्पी देखते हुए बोला। हम इससे पहले तो नहीं ली मगर अब लगता है लेनी पड़ेगी, वो मुस्कुराते हुए बोला। चलो मैं मेहमानों को देख कर आता हूँ, आज़र जान ते हुए कहने लगा। प्रीशे, रेहान ने मुस्कुराते हुए इसका नाम दोहराया। अरे किस बात पर बहस हो रही है दोनों में, समीर बैठते हुए बोला। देखे ना समीर भाई, नाम मैं रखूंगी, शांजे कह रही है वो रखेगी, परी कबके से बोली। मैं कब से इसे कह रही हूँ तुम आज़र के बच्चों के नाम रख लेना, अब मेरा तो कोई भाई है नहीं, वो मशवरा देते हुए बोली। वे परी की बात पर आज़र और ईमान एक दूसरे को देखने लगे। ईमान ने फौरन नसरें झुका दी और मुस्कुरा दी। हम ये तो वाकई बहुत सीरियस मैटर है, चलो नाबिया से ही पूछ लेते हैं, वो जिसका कहेगी तुम दोनों में से नाम वही रखेगी, सुमेर अब सोचते हुए बोला। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं बताने वाली क्योंकि मैं दोनों का दिल नहीं तोड़ सकती, नाबिया साहब को ही से बोली, क्योंकि जिस तरह से परी अजीज थी वैसे ही शान से भी थी। आइडिया, क्यों ना हम दो चिट बना लेते हैं नाम की, जो नाम आएगा वही रख ले देंगे, इरम मशवरा देते हुए बोली। हम बिल्कुल ठीक, सबने इत्तेफाक किया, नाम कौन लिखेगा, इरम पूछने लगी। रिहान भाई, शान से रिहान को देखते हुए बोली। ओके, इरम ने इसे पेन और पेपर देते हुए कहा। हाँ तो बताइए अपने फेवरेट नाम, रिहान दोनों से पूछने लगा। हजैफा, शान से ने बताया, और आपका? अब रिहान परीक्षे से मुखातब हुआ। रूहान, परीक्षे बोली। रिहान ने दोनों के नाम लिखते हुए एक नज़र शांसे के चेहरे पर डाली जो बहुत उम्मीद से इसे ही देख रही थी। रिहान को परी का बताया हुआ नाम बहुत पसंद आया था लेकिन वो शांसे का दिल भी रखना था। रिहान ने इसे एक आंख का इशारा दिया जैसे कह रहा हो रिलैक्स, ये लीजिए, रिहान देते हुए बोला। अनाउंस कौन करेगा, आज़र पूछने लगा। अनाउंस मिस परीक्षे ही करेंगी, उठाइए चिट, रिहान बोला। अब सबको अनाउंस का इंतज़ार था। हजैफा, परी ने चिट खोलते हुए बताया, पर्ची में शांसे का बताया हुआ नाम आया था इसलिए परी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। चलो भाई, आज से साहबजादे का नाम
हुज़ैफ़ा हुआ। रोहेल साहब इसे गोद में लेते हुए बोले, रेहान भाई आप तो बड़े कमाल के हैं। शानजे इसके पास जाकर बोली, बस देख लो कभी गुरूर नहीं किया। रेहान अपना कालर उठाकर उतराते हुए बोला, परिशें दोनों की गुफ्तगू सुन चुकी थी लेकिन मफहूम ना समझ सकी। सब लोग खाना खाने जाने लगे। हुज़ैफ़ा पर अपने हाथ में चिटकी राइटिंग देखने लगी जिसमें बहुत ही खूबसूरत स्टाइल से नाम लिखा हुआ था। अब वो अपने पास रखी दूसरी चिट खोलने लगी जो इसके बताए हुए नाम की थी। हुज़ैफ़ा चिट देखकर परी को रेहान की हरकत पर बहुत गुस्सा आया। ओह तो ये बात थी, और रेहान को घूरते हुए बोली जो इस वक्त स्मैर से बातों में मसरूफ था। परी चलो खाना खा लो। अनाभ्या इसे ऊपर जाते हुए देखकर बोली, आप ही मुझे भूख नहीं है। इसका मूड खासा ख़राब था तो इनकार कर दिया। क्यों नहीं भू, और तुम्हारे मूड को क्या हुआ, कहीं तुम्हें शानसे का नाम रखना तो नहीं आपी। वो नाभिया की बात काटते हुए बोली, मुझे शानसे का नाम रखना बिल्कुल बुरा नहीं लगा, अलबत्ता ये हरकत बहुत बुरी लगी। इसने दोनों चिट दिखाते हुए बोला। दोनों चिट्टों पर एक ही नाम दर्ज था, हुज़ैफ़ा। ओह तो रेहान ने चीटिंग की है, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। नाभिया इसका मूड देखते हुए बोली, नहीं रहने दें आपी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी नाम रख चुके हैं, मैं रखूँ या शानसे क्या फ़र्क पड़ता है। वो बहन को मुतमिन करते हुए बोली, लेकिन दिल में रेहान की ये हरकत बहुत बुरी लगी थी परी को। चलो फिर चलकर खाना खाते हैं, अनाभ्या इसका हाथ पकड़ते हुए बोली। बाहर के तमाम गेस्ट जा चुके थे, बस रोहेल साहब, फरजाना बेगम और अवैध साहब के छोटे भाई की फैमिली बाकी थी। वो सब लाउंज में बैठे थे। चलो अब हमें भी इजाज़त दो, रोहेल साहब बोले। बिल्कुल नहीं, हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। अरे इतने अरसे बाद तो यूँ बैठना हुआ है साथ, अवैध साहब बोले। तुम तो जानते हो अवैध, बेटियों के यहाँ रुकना हमारे यहाँ अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन फिर चक्कर लगाएंगे, बहुत जल्द वादा। अब की बार रोहेल साहब बोले तो इन्हें मजबूरन मानना पड़ा क्योंकि वो इनकी आदत और एतवार से खूब वाकिफ थे। पापा और मामा नहीं रुक सकते, लेकिन परी तो रुक सकती है ना, इसे कुछ दिन मेरे पास ही रहने दें। नाभिया कहने लगी, हाँ तुम परी को रोक लो, तुम्हारा दिल लग जाएगा और मुन्ने को संभालने में थोड़ी हेल्प भी मिल जाएगी तुम्हें। समीर कहने लगा, परी बेटे तुम रुकोगी? अनाभ्या के पास शाइस्ता बेगम परी से पूछने लगी। दिल तो परी का भी हो रहा था बहन के पास रुकने का, क्योंकि अभी तो इसने जी भर के हुज़ैफ़ा को लिया भी नहीं था। ठीक है फिर हम चलते हैं, रोहेल साहब और शाइस्ता बेगम जाने लगी। भाई साहब अब हम भी चलते हैं, टाइम बहुत हो गया है, फरजाना बेगम अपने भाई से बोली। अरे रोहेल साहब तो रुक नहीं सकते थे, आप लोग कहाँ भाग रहे हैं, आज मैं आप लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगा, वो बहन से कहते हुए बोले। लेकिन भाई साहब, फरजाना बेगम ने बोलना चाहा, लेकिन बेगम कुछ नहीं कह दिया ना मैंने, बस वो फैसला गो अंदाज में बोले। अरे आज तो सब साथ ही हैं, क्यों ना आज अंताक्षरी हो जाए, बीनिश खुशगवार मूड में बोली। अरे बेटा हमारी अब का इन सब की उम्र कहाँ, आज तो हमें बातें करने का मौका मिला है, तुम सारे बच्चे जाओ और आपस में खेलो, अवैध साहब कहने लगे और सारे दायरे बनाकर बैठ चुके थे। रेहान की नज़र इसे ढूंढने लगी। यार चलो ना, तुम क्यों यहाँ आ गई, शान से परी के आस पास आकर बोली। यार तुम लोग खेलो ना, वैसे भी तुम लोग कज़न्स हो, मुझे कहाँ मज़ा आएगा, परी अपनी परेशानी बताते हुए बोली। लो भाई ये क्या बात हुई, आप हमारी कज़न नहीं लगती क्या, वानिया अंदर आते हुए कहने लगी। अरे मैं तो बस यूं ही कह रही थी, परी से देखकर बोली, हम सब कज़न हैं लेकिन दोस्त भी, और आप भी हमारी दोस्त बन सकती हैं, वानिया से प्यार से बोली। समीर की शादी में सिर्फ सलाम दुआ तक ही परीशे से मिली थी, इसलिए वानिया का थोड़ा ताल्लुक था। हम तो चलें, शान से पूछने लगी। हम चलो, परी ने सिर्फ हाँ पर ही इतफाक़ किया। इसे बिल्कुल रिहान के सामने वाली सीट मिली थी, मुसलसल अपनी नज़रों से इसे कंफ्यूज कर रहा था। उसे नज़रअंदाज करते हुए अंताक्षरी खेलने लगी। आज़र जो ये सब नोट कर रहा था गला खनखारने लगा क्योंकि वो रिहान की बराबर वाली सीट पर बैठा हुआ था। ईमान पर ध्यान दो बेटा, कैसे शर्मा रही है तुम्हें देखकर, वो आज़र को छेड़ते हुए बोला। इनकी इन्हीं अदाओं से तो हम घायल होते हैं, वो भी शोकी से मुस्कुराया। ईमान देख चुकी थी कि वो और रिहान इसी के मतलब बातें कर रहे हैं, इसलिए और शर्मा गई।